वेलकम बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ वर्कशीट 3 ऑफ चैप्टर 8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड हाउ टू सिंप्लीफाई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग डेसिमल नंबर्स। तो बच्चों चलिए देखते हैं वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 प्लस 2.5 माइनस 1.5। तो बच्चों आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको डी मास फॉर्मूला बताया था, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इस फॉर्मूले पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी मास की बेसिस पे हम लोग कौन से पोर्शन को सॉल्व करेंगे, एडिशन पोर्शन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1.1 प्लस 2.5 कितना होगा, 6 एंड 3.6। नाउ माइनस 1.5, अब 3.6 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, 1 एंड 2 में से एंड गया, सो आंसर इज 2.1। क्वेश्चन नंबर बी 2.3 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 0.9। तो सबसे पहले डी मास की बेसिस पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 2.3 प्लस 12.5 जा कितना होता है बच्चों, 12.5 जा होता है 60। तो यहाँ दो डिजिट के बाद डेसिमल बिठाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा वो है 0.60 और माइनस 0.9। नाउ अब हम लोग किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, डी मास के बेसिस पे एडिशन पोर्शन को। तो पहले 2.3 प्लस 0.6 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 9 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो इक्वेशन बिकम्स 2.9 माइनस 0.9। अब 2.9 में से 0.9 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ 2, सो द आंसर इज 2। ठीक है बच्चों, नाउ चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर सी इज 28.9 माइनस 20.8 प्लस 3.9। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन पोर्शन करेंगे, सो 28.9 को हम लोग 3.9 से ऐड कर देंगे, 28.9 और 3.9 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया आंसर, आ गया 32.8। नाउ दिस पोर्शन माइनस 20.8, अब 32.8 में से 20.8 को माइनस कर दें, 0, 2, 1, आंसर क्या हो गया 12। नाउ चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर डी इज 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.05 माइनस 2.1। तो डी मास के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन पोर्शन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, 5.3 प्लस 6.5 जे कितना होता है 30, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 एंड 2,
So we have to put the decimal points after two digit, 1 and 2. Yeah. -2.1. अब किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे? एडिशन पोर्शन को. तो 5.3 प्लस 0.3 0.6 -2.1. अब 5.6 से हम लोग 2.1 को माइनस कर देंगे. 0 6 में से 1 गया, 5 5 में से 2 गया, 3. सो द आंसर इज 3.5. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर ई. 2.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 2. तो इसमें हम लोग पहले डिवीजन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे. 2.5 डिवाइडेड बाय 5, हम लोग को पता है 5 5 जा 25, इसलिए यहाँ 5 लिखेंगे और एक डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट, इसीलिए डिजिट के पहले है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिजिट के पहले डेसिमल बिठा देंगे. मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 2. अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पोर्शन को सॉल्व करेंगे. 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और देख लीजिए कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट है, 1 and 2. तो यहाँ पे हम लोग 1 and 2 दो के पहले डेसिमल पॉइंट बिठाएंगे और प्लस 2. तो 0.2 प्लस 0.20 ऐड करेंगे. यहाँ पे आंसर हो गया 2.20. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर एफ इज 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 2. तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन पोर्शन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए 3.6 इज डिवाइडेड बाय 0.9. तो यहाँ क्या हो गया, इस एक डिजिट के पहले है और यहाँ भी एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो ये दोनों डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो गया. तो क्या हो गया, 9 4 जा 36. तो यहाँ हो जाएगा 4. इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 नंबर आया. 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 2. अब डिवीजन पोर्शन सॉरी मल्टीप्लीकेशन पोर्शन को सॉल्व करेंगे. फाइव फोर जा 20 माइनस 2. तो यहाँ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों. बच्चों अब मैं आपको ब्रेन टीजर्स के आंसर बता देती हूँ. और मैंने जो आपको पहले वर्कशीट 1, 2 और 3 को सिंप्लीफाई करके बताया, उस बेसिस पे आप इस सारे प्रॉब्लम को खुद से सिंप्लीफाई करें. ये आपके लिए होमवर्क है और आंसर्स मेरे दिए हुए बोर्ड के आंसर्स के साथ मैच करके खुद देख लें. ठीक है. तो ब्रेन टीजर्स के आंसर यहाँ है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए का, दूसरा बी का है तीसरा, सी का है पहला और डी का है दूसरा और ई का है दूसरा. ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 41, बी का आंसर है 14, सी का आंसर है 1 होल 31/2, डी का आंसर है 2 होल 9/20 एंड ई का आंसर है 28.5, एफ का आंसर है 0.24, जी का आंसर है 8 और एच का आंसर है 14. ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर है लेस देन
और क्वेश्चन थ्री के बी का आंसर है ग्रेटर देन। नाउ चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड टूडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर। और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें। टिल देन बाय।